वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग, आज अच्छे होंगे आप सब। तो मैं आज जा रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको बताऊँगा मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे, अगर चांस मिला तो आपको अंदर से भी बता दूंगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। फिलहाल अभी मैं दादर में हूँ, फिलहाल अभी दादर से मतलब मैं चर्च गेट की ट्रेन पकड़ूँगा खार रोड के लिए। तो खार रोड स्टेशन पर उतरेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे भीड़ है सब दादर स्टेशन पर। तो अभी चलते हैं खार रोड और आपको मतलब मैं बताता हूँ इनसाइड कैसा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब मैं खार रोड पे पहुंच गया, आप लोग देख सकते हैं पीछे खार रोड लिखा हुआ रहेगा, खार रोड। तो यहाँ से हम लोग को दानपाड़ा जाना है, सॉरी नींद आ रही थोड़ी सुबह सुबह, तो दानपाड़ा जाना है, वहाँ से मैं आपको ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। मतलब ये साइड में हम लोग चल रहे हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। सो अभी यहाँ से उतरते ब्रिज से और चलते गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। मैं दानपाड़ा उतर तो गया हूँ बस से, लेकिन अभी हम लोग को ढूंढना पड़ेगा दुकान कहाँ पे, मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं मालूम, तो पूछते किसी से कहाँ पे है और चलते 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 मिल जाएगी कहीं पे तो दुकान, देख लेंगे आप। चलो मैं कौन सी गली में मुझे भी, लेकिन मतलब रास्ता दिख रहा है स्ट्रेट स्ट्रेट, मैं चलते जा रहा हूँ, देखते किसी से पूछते। यार बहुत सुनसान एरिया लेकिन ये, लेकिन ब्लॉग बनाने के लिए बहुत अच्छा एरिया है सही में। मुझे एक अंकल ने मतलब बेड़ा बनाए कि जैसे मतलब अपन भी करते हैं ना, अपने से कोई एड्रेस पूछना आएगा तो अपन भी उसको एड़ा बनाते हैं वैसा, हमें को एड़ा बनाए। मैं कब से गोल गोल घूम रहा हूँ, अभी जाके एक अंकल अच्छे थे, उन्होंने मुझे एड्रेस बताया, अभी मैं जा रहा हूँ वहीं पे। गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, पहले मैं बैड न्यूज़ बताता हूँ फिर दुख होकर खुश होना। बैड न्यूज़ ये है कि मैं आधे घंटे से कब से घूम रहा हूँ, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा था। और गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि मतलब चलो बता देता हूँ, मुझसे नहीं बताऊँगा, दिखा के बताऊँगा आपको। शायद से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई रहेगी, सोचो क्या हो रहेगा तब तक का, तुम कमेंट करो तब तक का, शायद से जेठालाल जी मिल गए रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। और सरप्राइज 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 क्या है आपके लिए, दिस शॉप क्या है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप पहचानते हो शॉप को, देखा रहेगा तारक मेहता उल्टा चश्मा में, तो देख लो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रही है। तो फिलहाल अभी बंद है और ये दूसरी शॉप है, फिलहाल अभी तो ये बंद है, लेकिन अभी 8:30 बज रहे शायद से, मैं रुकूंगा 10 बजे तक का, 10 बजे शॉप, हाँ 10 बजे शॉप का टाइमिंग खुलने का। तो मैं आपको अंदर से भी बता दूँगा कि कैसी दिखती है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सो वही ये पे खड़ा हूँ, आधा घंटा रहेगा, 9 बज गए रहेंगे अभी। सो मैं सोच रहा हूँ कुछ नाश्ता करके आते हैं, मैं सुबह 6 बजे घर से निकला था, कहा गया हाँ सुबह 6 बजे घर से निकला था, तो वहीं पे अभी वापस आ गया हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के यहीं पे। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा देर मतलब कुछ पेट पूजा करके आते फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते, चलो कुछ खा के आते तब तक। चाहूँगा मेरा पचका कैसे हुआ, कब से मैं मतलब ये जो येल्लो वहाँ से आया था लेकिन स्ट्रेट जा रहा था, और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पे। तो खाने से पहले मैं आपको बता दिया कि कैसे पचका भी होता है ब्लॉगर्स लोग का, लेकिन ब्लॉगर्स लोग का चलता है इतना, ये सब तो मतलब होते रहता है। मैं कब से खड़ा हूँ, अभी मतलब 10 बजने वाले, थोड़ा टाइम है 10 बजने को, लेकिन कब से मैं खड़ा हूँ अभी तक का अंकल आए नहीं। आप जेठालाल को बोले जल्दी दुकान उगड़ने, नट्टू काका और बाबा को, सॉरी नट्टू काका और बाबा को चिल्लाने बोले अभी तक का दुकान नहीं खोले उन्होंने, कस्टमर का टाइम है ना अभी। कब से खड़ा हो देखो ना इसके नीचे, बार बार इसको टीवी में बहुत बार देखा हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम आपके लिए और मेरे लिए, मैं खुद रियल में देख रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स करके। सो आप देख लो शॉप, अभी तो बंद है, कुछ दिखेगा नहीं आपको शॉप में, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद खुलने वाली है शॉप। और उसके सामने आपको बता देता हूँ एक बिल्डिंग है या गाड़ी है, उस पर भी नहीं बैठ सकता, उस पर भी धूप है गाड़ी पर, काला हो जाऊँगा। वो यहाँ पे कुछ है 5-7 माले की शॉप, सॉरी 7 माले की बिल्डिंग है, 7 माले की बिल्डिंग है यहाँ पे। और यहाँ का रोड का कुछ काम चालू शायद से, वो सब खोद के रखे ले, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सब खोद के रखे ले रोड पे सब। खड़ा हो यार मैं, वो रोड है, कोई दोस्त भी नहीं आया साथ में, चलो शॉप के पे बैठ जाते हैं अपन। कैसी नट्टू का आएंगे ना, बोलता हूँ भाई टाइम है शॉप खुलने का। तो यहीं पे बैठ जाता हूँ मैं, और जैसे शॉप खुलेगी आपको शॉप के इनसाइड बता दूंगा क्या है कैसा है, पब्लिक देख रही है लेकिन अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा है।
तो देखते हैं, मतलब रुकते शॉप खुलने का इंतज़ार से। और एक अंकल थे, उन्होंने एड़ा बनाए, उनके वजह से थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन चलता है, होता रहता है ऐसा। सो चलो थोड़ा देर बैठ जाता हूँ, जैसे ही शॉप खुलेगी आपको खुलते हुए बता दूंगा शॉप। और कौन अंकल जो रहेंगे अंदर, उनसे मतलब बात करेंगे पहले कि इनसाइड वीडियो निकाल सकते हैं या नहीं, अगर परमिशन देंगे तो निकाल सकते हैं। हाँ, उसे शूट आज है क्या नहीं वो भी पूछ लेंगे अपन। अगर आज शूट रहेगा तो अच्छा है, आपको मतलब सेलिब्रिटी लोग से मिलने मिल जाएगा। तो रुकते हैं, अभी तुम लोग देख सकते हो वहाँ पे वो अंकल है, वो शटर अभी खोल रहे। अंकल अभी शटर खोल रहे, थोड़ी देर बाद मतलब साफ सफा हो जाएगी तो उनसे बात करते, पूछते मतलब ब्लॉग बनाने देंगे क्या नहीं करके। तो ये रही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स खुली हुई, तो थोड़ी देर बाद बात करते हैं और पूछते हैं अंदर से शूट ले सकते क्या नहीं। तो मैं बैठा यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग का शॉप में मतलब पोछा मार रहे और पूजा कर रहे, इसके लिए रुका हूँ मैं, थोड़ी देर बाद जाऊँगा अंदर और अंकल से मैं परमिशन ले लिया। अंकल बोले थोड़े टाइम बाद आप बना सकते हो वीडियो, सो थोड़े टाइम बाद वीडियो बनाता हूँ मैं अंदर की जो इनसाइड है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो। गाइस अभी मतलब वक्त आ गया अभी अंदर जाने का, तो मैंने उनसे परमिशन ले लिया हूँ कि मतलब अंदर ब्लॉग बनाते हैं। अंकल बहुत अच्छे, लिटरली गाइस बहुत अच्छे अंकल है। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ, अंकल शायद से बाहर आ रहे, तो मैं अभी अंदर जाके आपको बताता हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस आवाज़ कम करता हूँ, उन लोग भी काम कर रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जेठालाल अंकल बैठते जेठालाल जी बैठते, और यहाँ पे नटुगा का वो जो अंकल है वहाँ बैठते, मतलब नटुगा का और बाबा इसे खड़े रहते। और ये पूरी शॉप है इनका, मैं आपको मतलब अच्छे से बता दूंगा कैसी शॉप है इनकी। और ये शायद से यहाँ पे काम करते, तो अंकल से मैं पूछा था मतलब वीडियो बनाओ क्या, तो अंकल मतलब बहुत अच्छे अंकल यहाँ बैठे, तो मतलब मैं एक ही बार पूछा, बोले ठीक है वीडियो बना लो। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. So guys, हम लोग अंकल को थैंक्स बोल देते हैं। सो अंकल थैंक यू, आपको वीडियो बनाने दिया हम लोग को। तो अंकल यहाँ पे मतलब हाय ऑडियंस को, तो अंकल मतलब यहाँ पे हफ्ते में शूटिंग होती रहती है या मतलब कभी भी होती है? अच्छा कभी भी होती है, तो ठीक है, मतलब आज नहीं है शूटिंग? अच्छा कल शूटिंग थी, ठीक है मुझको मालूम था। सर ठीक है अंकल, लेकिन थैंक यू मतलब वीडियो बनाने देने के लिए। सो अंकल में मतलब मैं सुना था अंकल बहुत अच्छे, लेकिन लिटरली अंकल बहुत अच्छे। मैं सिर्फ एक बार उनको बोला अंकल वीडियो बनाओ, ठीक है बोले बना लो। सो ठीक है बाय, अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। मतलब अभी मैं दुकान के बाहर आ गया हूँ, लेकिन वीडियो स्टॉप कर दिया, सॉरी मैं वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो एक चीज़ आपको बताने की रह गई, तो जैसे जेठालाल मतलब मालूम है दुकान मतलब शॉप से निकल के गई गोडाउन में आते थे, तो मैं आपको बताता हूँ गोडाउन किधर है इन लोग का। तो यहीं पे मतलब बाहर जेठालाल जी बाहर निकल के ऐसा लेफ्ट मार के एक गली में आते थे, और यहाँ पे गोडाउन ला जादू गोडाउन किधर है, इधर तो गोडाउन नहीं है। तो समझ रहे हो ना तुमने, मतलब यहाँ पे कोई गोडाउन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक शॉप है और गोडाउन जो है उन लोग का वो सेट है, जहाँ मतलब गोकुलधाम सोसाइटी वेपन लोग का सेट बनाते रहेंगे फिल्म सिटी में। सो मतलब वही है, यहाँ पे गोडाउन नहीं है, तो ठीक है उन लोग का सीक्रेट रिवील कर दिया। और ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अभी अलविदा कहते हैं, अभी कुछ 12 बज रहा है, मैं 8:30 बजे से आया था, लेकिन कोई नहीं चलता है। तो वैसे अभी चलते हैं घर पे, अभी यहाँ से सीधा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो भी यहाँ से आप स्ट्रेट जाओगे ना तो एक
डांडी पाड़ा करके मतलब बस स्टॉप है, मैं मतलब उससे आया था बस से। तो आंटी देख रहे कुछ नहीं चलता है, तो यही से आया था। मतलब मैं यहाँ पे भी घूमा, इतना 4-5 घंटा बैठा था मैं, वो क्या कुछ काम नहीं था, तो इधर का पूरा एरिया घूम रहा था ऐसे। सो आप अगर आओगे तो दादर से सीधा खार स्टेशन आना, खार रोड। तो खार रोड से फिर बाहर आपको बस मिलेगा, बस को बोलना आप दांडी पाड़ा, वो 5 रुपये लेता है हार्डली, और आपको बस स्टॉप पर छोड़ देता है। बस स्टॉप से सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस पे ही है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसका नाम कंज्यूमर शॉप ही है, मैं शायद से आपको बताना भूल गया। अभी मैं देखता हूँ रोड पे कहाँ पे मतलब बस स्टॉप किधर है, ढूंढता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, बहुत लंबे से आया हूँ मैं। सो बाय।